मौसम जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत ही ख़राब। बारिश तेज हो गया है और सड़क पे जो चिकना मिट्टी है उस पे गाड़ी ज़बरदस्त फिसल रहा है। एन रूट मार्फा डेस्टिनेशन जोमसोम मुक्तिनाथ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बेनी से करीब 15-20 किलोमीटर आगे और रास्ते का जो हाल है वो ये है। मौसम बहुत खराब, जिधर सब जाएगा उसी के पीछे क्रॉस करना। वो गाड़ी हल रहा था। संतोष जी कहाँ रह गए? आने दो उनको, मैं जाऊं।
हाँ, बारिश ने एडवेंचर को कर दिया है डबल और हम पहुंच गए तातो पानी प्राकृतिक तातो पानी कुंड में। हार्दिक स्वागत है हॉट वाटर स्प्रिंग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डे 4। तो कल रात को हम यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 6 PM हम पहुँचे मार्फा और रुके हैं हम होटल मार्फा पैलेस में। सो रास्ता ज़बरदस्त है। बेनी से मार्फा तक का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस है और जो नॉन स्टॉप बारिश हुआ कल उसके कारण जो एडवेंचर था वो एकदम डबल ट्रिपल हो गया। अब जाते समय देखना है बारिश होता है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो अच्छा है। और बारिश में सब लोग बुरी तरह से भीग चुके थे, बुरी तरह से ज़बरदस्त ठंड लग रहा था सबको, बट समहाउ वी मेड इट टू मार्फा। और ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं आपको ये सारे एप्पल के ट्री हैं, एप्पल ऑर्किड्स भी हैं इस तरफ, उस तरफ जो है वो सारा एप्पल ऑर्किड्स है। तो आज का प्लान है मुक्तिनाथ टेम्पल जाने का और आपको दिखाते हैं मार्फा जो पूरा जगह है, मार्फा सिटी बोलिए या मार्फा मार्केट बोलिए, को दिखाते हैं। यह है जेरी गली, यहाँ पे बहुत सारा मूवीज शूट हुआ है जेरी गली। जेरी गली पूरा वुड का है, वुड एंड स्टोन ये, और ऊपर हर घर के ऊपर ऐसा पूरा वुड का स्टैकिंग किया हुआ है लाइक दैट, देखिए सामने। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप मुक्तिनाथ जा रहे हैं तो मार्फा में एक दिन जरूर रुकिए, मिनिमम एक दिन। एंड सामने है माउंटेन रेंज, नीलगिरी हिमालय, नीलगिरी सी, दिस वन। ये रहा मंदिर पहाड़ के ऊपर। सो ये है हमारा होटल मार्फा पैलेस, यहाँ पे किया है सारा बाइक्स को पार्क्ड। ये रात को इतना ज़्यादा भीग गए थे सारा कपड़ा, राइडिंग गियर्स सब को लोग ड्राई कर रहे हैं।